बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा ये दोनों टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सवाल आता है बेटा कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है, इन फर्क क्या है। तो मैं आपको एडवाइस करा देता हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी को। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मिनिमम सेवन और मैक्सिमम टू कोई लोग होगी शेयर होल्डर। इसके शेयर परचेज करते हैं और इसके शेयर करते हैं और इसके मालिक होता है। कंपनी के नफर नुकसान के वो जिम्मेदार होते हैं। कंपनी को बनाने वाले लोग प्रोमोटर्स कंपनी को बनाते हैं, फिर इसके शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब सेल करते हैं उन शेयर्स के बस प्रोमोटर्स को पैसा मिलता है और वो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम इसमें कुछ डिफरेंस हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या फर्क है। देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी पहला पोर्शन हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जॉइंट स्टॉक कंपनी की कंस्टिट्यूशन मीन फॉर्मेशन किस ऑर्डिनेंस के थ्रू की जाती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी को 1984 ऑर्डिनेंस के तहत बनाया गया है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्ट है, ऑर्डिनेंस नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1925 एक्ट के तहत बनाया गया है। मेंबर्स भी बताया था आपको, जॉइंट स्टॉक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जबकि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें मिनिमम 10 होंगे। ऑब्जेक्टिव जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेन मकसद मुनाफा, लेकिन जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मेन मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, उनका मेन मकसद सोशल वेलफेयर और मेंबर्स की वेलफेयर होता है। माइनर से मुराद वो बच्चा जिसकी एज 18 साल से क्या हो कम, वो शेयर होल्डर बन सकता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में माइनर जो है वो सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। लायबिलिटी आप देखिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जॉइंट जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी, आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स लेकर इजीली इनको जिसको चाहे अदर पर्सन को कंपनी की परमिशन के बगैर शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स को बाकी मेंबरान की मर्जी के बगैर ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में 1 share 1 vote, अब जितने शेयर्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह वोट भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी आप शेयर्स परचेज करते हैं, जितना भी ज़्यादा पैसा कारोबार में इन्वेस्ट करें, 1 man 1 vote, एक वोट देने का हक होगा। डिबेंचर, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये जब जॉइंट स्टॉक कंपनी को पैसे की कमी महसूस होती है और वो चाहते हैं कि हम कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करें, वो शेयर्स भी इशू करते हैं, डिबेंचर्स भी इशू करते हैं। अब शेयर और डिबेंचर में फ़र्क क्या है? शेयर नफा नुकसान की बुनियाद पर सेल किए जाते हैं, जबकि डिबेंचर एक सूद की तरह चीज़ है, एक कर्ज का सर्टिफिकेट है। कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है डिबेंचर का, पैसा उधार लेती है और पैसा फिक्स कर देती है कि हम आपको सालाना इतना सूद देंगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। मैनेजमेंट, इसकी जो मैनेजमेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चलाते हैं, उसके मामला को निपटाते हैं, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट को हैंडल करती है। रोल ऑफ एजेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी में माल की खरीदो फरोख्त एजेंट्स के थ्रू की जाती है, जो कि कमीशन लेकर होता है, जबकि
कॉपरेट सर्टी में एजेंट यानी कि मिडिल मैन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कॉपरेट सर्टी डायरेक्टली कंपनी से चीजें लेते हैं, कमीशन सेव करते हैं। सेल ऑफ शेयर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल कर सकती है, जबकि कॉपरेटिव सोसाइटी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स की सेल नहीं कर सकती। ऑडिट, कंपनी का ऑडिट लाजमी है, उसको कंपल्सरी है। अब सोसाइटी का ऑडिट कंपल्सरी, कॉपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कराना कंपल्सरी नहीं है। ऑडिट क्या है, ये हिसाब किताब को चेक करना है। कई गवर्नमेंट के कुछ महसूस इदारे हैं जो ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं कंपनी में क्या हो रहा है, नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कौन सी घटना तो नहीं हो रहा। बाइंडिंग कंपनी यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की बाइंडिंग इख्तिताम, उसका खत्म करना बड़ा ही मुश्किल तरीका था, लेकिन उसको बाइंड करना मुश्किल काम नहीं है। रजिस्ट्रेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर्ड कराना लाजमी है, कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑप्शन है कि आप उसको रजिस्टर कराएं या ना कराएं। और इसके बाद टैक्स एग्जेम्पशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी को टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाती, जबकि कॉपरेटिव सोसाइटी को कई किस्म के टैक्स में छूट दी जाती है।